तो जो हम अचीव करना चाहते थे कर लिया। थैंक यू दान्याल, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है कि आज मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने के लायक हूं। एनी प्लीज, मैं इस किस्म की फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता, और अभी तो वैसे भी तुम्हें बहुत कुछ करना है। किस किस बात का शुक्रिया अदा करोगी? पहली बार मुझे कोई समझा है, हौसला बने हो तुम मेरे, सहारा बने हो। थैंक यू तो करना बनता है, बल्कि बार बार करना बनता है। मैंने कहा ना कि मैं इनफॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता। मेरा बहुत सिंपल उसूल है लाइफ का, दोस्तों का दोस्त हूँ, उनके लिए कुछ भी कर लेते हैं। तुमसे दोस्ती की है तो साथ तो निभाना पड़ेगा, और आखिरी दम तक निभाऊंगा। तुम बस अब रिलैक्स करो। रिलैक्स? रिलैक्स तो अब मैं उस बली को जेल की सलाखों के पीछे देख कर होगी, बल्कि पार्टी होगी अब। हाँ तो एक काम करो ना, पार्टी का इंतजाम कर लो, क्योंकि वली तो कुछ देर के बाद जेल की सलाखों के पीछे होगा। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं और तुम अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पे चलें। मुझे बताओ कहाँ खाना खाना पसंद करोगी? What would you like to have? नहीं नहीं, I don't think it's such a good idea. पता है आज सबके सामने इतना तमाशा हुआ है। I would like to stay home. कुछ घर में ही ऑर्डर कर लेंगे। This is a wonderful idea. Actually, मैं भी जरा इंट्रोवर्ट सा इंसान हूँ, ज्यादा लोगों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा है, इकट्ठे बैठेंगे। क्या हुआ, किसकी कॉल आ रही? कुछ नहीं, मम्मी की कॉल है, लेकिन अभी मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। देखो इनी, शायद मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दिस इज योर पर्सनल मैटर, लेकिन वो माँ है तुम्हारी। बचपन से आज तक उन्होंने तुम्हारा ख्याल किया, अच्छी तरबियत की है। आई डोंट थिंक तुम्हें छोटी सी बात पर उनसे नाराज होकर उनकी कॉल नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक तुम्हें बात करनी चाहिए। फिक्रमंद? वो मेरे बारे में फिक्रमंद नहीं होती, उन्हें सिर्फ बनी की परवाह है। अच्छा खैर, चलो आज हमने कुछ अचीव किया है, इसलिए मूड खराब नहीं करेंगे। लेट्स हैव आइसक्रीम, व्हाट डू यू से? व्हाई नॉट? चलो